हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हिंदी व्यंजन झ। झ कैसे बनाते हैं? झ के लिए हमने ऐसे एक लाइन मोड़ा, फिर हमने बीच से लाइन खींची झ। ये ड बना, ड से डमरू वाला मोड़ा, ई बना, ई से इमली, बीच से लाइन खींची, मिलाया, झ से झंडा। फिर से एक बार सीखेंगे, ड से डमरू, ऐसे मिलाया, ई से इमली, झ। कैसे बनेगा झ? झ। अब हम देखें झ से कौन कौन से शब्द आते हैं। झ से होता है झंडा। पहला शब्द है झ से झंडा। झ से होता है झाग। झ से होता है झरना। झ से होती है झलर। झलर। झ से होता है झिंगुर। झ से होता है झगड़ा। झगड़ा बहुत गलत चीज़ है ना, हमें नहीं करना चाहिए। झ से झगड़ा। झ से झींगा। झींगा क्या है? ये एक जलीय जीव है ना, झींगा। झ से झींगा, वाटर एनिमल है झींगा। झ से होता है झुमका। झ से होता है झूमर। झूमर हम कहाँ लगाते हैं? अपने घर में ऊपर लगाते हैं ना, और जिसमें लाइट्स भी लगी होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो झ से हमने क्या क्या पढ़ा? झ से झंडा, झ से झाग, झ से झरना, और क्या क्या होता है? झ से हम झूमर लगा सकते हैं। तो ये झ से झंडा, झाग, झरना, झालर, झींगुर, झगड़ा, झींगा, झुमका, झूमर। थैंक यू।